ए हमने लिया 0 0 1 1 0 1 0 1 यार। अब देखो ए बार क्या आ जाएगा, ए का सारा इन्वर्स कर दीजिएगा 1 1 0 0, बी बार इसका देखो 1 0 1 0, ए बार डॉट बी क्या आएगा, ए बार है और बी ए है, तो देखो 0 into 1 0 आया, 1 into 1 1 आया, ये 0 आया और ये भी 0 आया। अब ए डॉट बी बार अगर आप बनाइएगा, ए डॉट ये है और बी बार ये है, तो देखो 0 into 1 0 0 into 0 0 1 into 1 1 and 1 into 0 0 आया ये। अब देखिएगा बेटा ए बार डॉट बी और ए डॉट बी बार को ऐड कर, 0 + 0 = 0, ये आ गया 1, ये भी हो गया 1 और ये हो गया 0। इसका यूनिकनेस क्या है, तुम देखो बेटा आउटपुट हाई कब है, आउटपुट इज हाई, 1 को हाई कहते हैं, हाई का मतलब 1, लो का मतलब 0, आउटपुट तब हाई है जब ए और बी जो इनपुट है इसमें देखो क्या हुआ, ए लो है तो बी हाई है और ए अगर आप देखो हाई है तो बी लो है, तो इसका मतलब क्या कहते हैं कि कोई ऐसा गेट चाहिए जिसमें दोनों इनपुट्स में से एक हाई हो और एक लो हो तो भी आपको आउटपुट हमेशा हाई मिले। देखो इट इज लो एंड इट इज हाई बट द आउटपुट इज हाई, इट इज हाई एंड इट इज लो बट आउटपुट इज हाई।